व्लॉग शुरू हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम कुछ बातें करेंगे और सनसेट देखेंगे 29 दिसंबर 2020 का। तो चलो पहले सनसेट देख लो, फिर बात करते हैं। चलो कैसा लगा आप लोगों को सनसेट? जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हुआ यूँ था कि मैं कल शाम को छत पर टहल रहा था और एक मिनट लाइट करवा। हाँ तो मैं कहाँ पर था, हाँ हुआ यूँ था कि मैं कल शाम को छत पर टहल रहा था और मैंने एकदम से देखी सनसेट देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ब्लॉग बनाया जाए। मैंने ब्लॉग बनाया और आप लोगों को दिखाया। आप लोगों को जैसे भी लगाओ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बात ये करनी थी कि देखो आ रहा है न्यू ईयर, तो यार न्यू ईयर वाले दिन अगर मैं घूमने जाता हूँ कहीं पर भी तो उसका ब्लॉग बनाऊँगा और उसका ब्लॉग डालूँगा, और अगर नहीं जाता हूँ तो उसके बाद जो डालूँगा और जाता भी हूँ उसका ब्लॉग डालने के बाद भी जो ब्लॉग रहेंगे वो रहेंगे। देखो इसलिए जो होता है उस टाइम पे अपन के स्टार्ट हो जाएंगे शादी के ब्लॉग्स। क्या शादी के ब्लॉग्स में क्या है, 9 तारीख को हुआ था हमारे यहाँ माता पूजन, उसका ब्लॉग है एक तो, ठीक है। और 10 दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर 2020 को हुआ था हमारे यहाँ संगीत घर में, जिसकी डेकोरेशन वगैरह सारा मैनेजमेंट मेरा ही था, मैंने किया था सब कुछ मैनेज। तो उसका भी ब्लॉग है, संगीत के कुछ डांस वगैरह दिखाएंगे, थोड़े बहुत दिखाएंगे शायद संगीत के एक दो पार्ट रहे। एंड 11 दिसंबर 2020 को था भैया का तिलक, जो कि उसका ब्लॉग बनाया, मतलब ब्लॉग नहीं है पर ब्लॉग ही है समझ जाओ। और 12 दिसंबर 2020 को तो भैया की शादी ही थी, तो शादी में क्या वो नहीं दिखाएंगे, फेरे वगैरह जो भी दिखाएंगे देख लेना, बस देखना सबको पूरा पूरा है। तो 12 दिसंबर 2020 को दिखाएंगे शादी का व्लॉग, और फिर सीधे जो आता है 13 दिसंबर 2020 को तो फिर विदाई ही होगी, उसके अगले दिन कौन सा दोबारा शादी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद विदाई का व्लॉग आएगा, फिर विदाई के बाद क्या कोई सी चीज़ का ब्लॉग नहीं आएगा उससे ज़्यादा, मतलब आएंगे, मतलब शादी का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। शादी से रिलेटेड कोई ब्लॉग नहीं आएगा, हाँ शायद आ जाए बाद में एक, तो कह नहीं सकते। तो गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, उसको ऑल पर कर दें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।